हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला क्वेश्चन। यदि आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, देख लेते इसमें हमको क्या दे रखा है। देखिए, इन्होंने बोला है अ सेमी सर्कल एम ओ एन इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल, रेडियस ओ एल ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला, एक सेमी सर्कल है एम ओ एन जो कि एक दूसरे सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, देखिए एक सेमी सर्कल है ये वाला एम ओ एन, ठीक है, वो एक दूसरे सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है। अब जो बड़ा वाला जो लार्जर सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है ओ एल, वो हमको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 6। ठीक है, तो देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन द टर्म्स ऑफ पाई, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड शो योर स्टेप्स। आपको इसका फिगर भी बनाना है, देन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको जो ओ दिख रहा है ओ को एम से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और इस ओ को एन से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे इजी हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बुक में भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो इसको, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, और ये वाला क्या है, एक सेगमेंट है हमारा। ठीक है, तो हमने पहले भी किया कि यदि हम सेक्टर के एरिया में से ये ट्रेंगल का एरिया यदि हम माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाता था, और यहाँ पे भी हमको यही वाली सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और इस ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, एक तो एंगल चाहिए। तो देखिए ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में ये कि कोई भी सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बात करें रेडियस की, तो देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो अगर बात करिए देखो बड़े वाले सेमी सर्कल की, तो देखो ओ एल ओ एन ओ एम ओ के ये सारी क्या है, रेडियस है ना, यानी कि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी भी होगी। यानी यदि ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसकी क्या मिल जाएगी, रेडियस भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी सेक्टर का एरिया तो हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं ट्रेंगल की, तो ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वही बेस और हाइट चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो इसमें से कोई भी बेस हो कोई भी हाइट हो जाएगी, ईजिली निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इन्हीं चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनको बता देंगे, सबसे पहले तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू एम एंड एन। सो हमारे पास ओ एम इक्वल टू ओ एन है ना, और ये जो ओ एल है ना ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जो कि क्या है हमारी रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से रेडियस मिल गई। उसके बाद एंगल की बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एंगल एम ओ एन वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, ठीक है, मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से ये जो सेक्टर का एरिया है उसका निकाल लो, फिर ट्रेंगल का निकाल लो, देन माइनस कर दो। मैं यहाँ से दोनों को साथ में कर लेता हूँ। तो देखो यदि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एम ओ एन, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल एम ओ एन। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए सारी। तो देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ एम ओ एन। तो एम ओ एन यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगी। अब चलिए सॉरी, एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को पाई की वैल्यू रख के थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लिया था, बट थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हमको पाई के टर्म में इसका एरिया फाइंड करना है, इसलिए मैंने उस वीडियो को कट कर दिया। आपको यहाँ से मैं बताता हूँ फॉर्मूले के बाद से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मूला हमने लिख रखा है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90/360, और यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, वही गलती यहाँ पे हो गई थी अभी। आर की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 6 × 6 माइनस में 1/2, उसके बाद बी 6 ही है और एच भी 6 है। ठीक है, तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6,
टू थ्री या सिक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा 3 × 3 × π, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 9 π और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, ठीक है। तो ये हमारा पाई के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से 9 को कॉमन भी निकाल लीजिए तो और आसान हो जाएगा, पाई 9 × 2 = 18 होता है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट आप और लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।